A body of mass 0.25 kg is projected with maser velocity 100 meter per second from a tank of mass 100 kg. What is the recoil velocity of the tank? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली करना है. देखो भाई, इसके अंदर एक तो है टैंक और एक है प्रोजेक्टेड बॉडी. प्रोजेक्टेड बॉडी, ठीक है भाई. अब टैंक है तो इसका जो मास है ना, ये दे रखा है 100 केजी, और प्रोजेक्टेड बॉडी का जो मास है ना वो कितना दे रखा है, 0.25 केजी. क्लियर. प्रोजेक्शन के बाद में जो इसकी वेलोसिटी है, इसको अपन ले लीजिए स्मॉल वी. ये दे रखी 100 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी आफ्टर प्रोजेक्शन वी, इसको मुझे फाइंड करना है. यहां पर सबसे पहले ये देखना है कि लॉ कौन सा लगेगा. तो सबसे पहले ध्यान रख लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या होना बच्चों, पहले का लीनियर मोमेंटम जब प्रोजेक्शन से पहले, तो वेलोसिटी दोनों की जीरो है तो जीरो हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी होता है, इज इक्वल्स टू यहां पर टैंक का m इंटू वी प्लस इसका लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इसके लिए भी. क्लियर. अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि माइनस एम वी इज इक्वल्स टू m और ये v, ये माइनस आप इस तरफ लगा दीजिए. अब इस m को अपन क्या करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे, v इक्वल्स टू माइनस m अपॉन कैपिटल m और ये v. सारी वैल्यूज रख दो, स्मॉल m कितना है भाई, 0.25 kg, कैपिटल एम मेरे पास कितना है 100, और ध्यान से देखना स्मॉल वी की वैल्यू भी कितनी है 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट. यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आया उसको ध्यान से देखना, वी इज इक्वल्स, वी किसकी वेलोसिटी है, टैंक की, ये हमारे पास आई है माइनस का 0.25, मतलब जो प्रोजेक्टेड बॉडी है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी. अब अगर सिर्फ वेलोसिटी पूछते तो अपन बड़े आराम से यहाँ माइनस 0.25 आंसर दे देते और साथ में मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई. लेकिन इसे पूछा क्या है, इसने पूछा रिकॉयल वेलोसिटी, तो जब रिकॉयल वर्ड आ गया तो माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसको ऐसे लिखेंगे, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ टैंक, इस केस में अपन लिख देंगे 0.25 मीटर पर सेकेंड. ये इस तरह से मैनेज करेंगे अपन. वी तो कितना माइनस का, या माइनस साइन खुद ही इंडिकेट करता है कि जो प्रोजेक्टेड बॉडी है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में टैंक की वेलोसिटी होगी. बट यहां पर बिकॉज रिकॉयल वेलोसिटी वर्ड दिया है तो अब इसमें यहां पर माइनस देखने की जरूरत नहीं है. इसको क्वेश्चन को बहुत सारे डील कीजिए, इजी क्वेश्चन है, केयरफुली कीजिए. सबसे पहले आप गिवन सेट कीजिए, उसके बाद में फाइंड क्या करना, कौन सा लॉ लगेगा उसके ऊपर सोचिए, और उसके बाद में बड़ा आराम से कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करके आंसर को गेन कर लीजिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.